assalamu alaikum wa i am professor Yasir javed from pyramids group of colleges a project of elc today i am going to teach you about letter and application that is our question number 5 in our first year english well as you have learned about the paper pattern time passing score about objective subjective आप लोग ऑब्जेक्टिव के अलावा बुक वन बुक थ्री का इंट्रो भी ले चुके थे और हमने क्वेश्चन नंबर फाइव में से एप्लीकेशन के पैटर्न को कौन सा पैटर्न द मोस्ट अथेंटिक है हाउ कैन यू गेट एट प्लस इन एप्लीकेशन वट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड एप्लीकेशन ये सीख चुके थे लॉकडाउन की वजह से क्योंकि अभी बेटा आप लोग बुक वन और बुक थ्री नहीं खरीद सकते हैं इन अदर वर्ड्स यू कैन नॉट गो आउटसाइड तो उसका बेहतरीन हाल हमने सोचा कि आप लोगों को हम पेपर पैटर्न के बाद एप्लीकेशन और लेटर का क्वेश्चन करवाएं आप लोग इस वक्त लेसन नंबर थ्री में लेटर का एक पैटर्न देख रहे हैं याद रखिएगा जो आपका लेटर है और एप्लीकेशन है इन दोनों में आपको ऑप्शन होती है द फाइनल सिलेक्शन इज योर्स वेदर यू आर गोइंग टू सिलेक्ट लेटर और एप्लीकेशन ये आप पे होता है बेटा कि आप लेटर को सिलेक्ट करें या एप्लीकेशन को अगेन I would request if you are the student of FA or ICOM, go for application. Why? The reason is application is easier. You just have 6 to 7 applications and you can easily do it. But if you are the student of FSC pre medical okay, and you are fighting with score, you want to get 95 plus in first year English, then go for the latter. keep in mind you are going to get the same score okay here we go humne ye application ka pattern sikha tha jo common mistakes students karte hain unke mutalliq baat hui thi aaj hum apna lesson number 3 jo hai usme letter ka pattern sikhenge books में application की तरह letter के भी different pattern क्यों हैं. and the last but not the least What's about the best pattern? Which pattern should we select? hame kaun sa pattern jo hai wo select karna chahiye Okay, so here is the pattern of letter. Examination hall, city ABC, date you are going to write here. Application की तरह date आप last परिमित लिखेंगे, बल्कि यहाँ लिखेंगे। Basically बेटा ये जो block होता है ये आप लोगों का वो address होता है जो आप सेंडर को लिख रहे हैं मैंने आपको एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में बात की थी कि आप पूरे पेपर में अपना नाम अपने घर का पता अपना मोबाइल नंबर नहीं लिख सकते हैं तो ये आपने फर्ज किया हुआ है जो लेटेस्ट ग्रामर की बुक्स हैं उसमें ये वाला ब्लॉक आपका लेफ्ट साइड में भी आ सकता है मैं दोबारा कहूंगा कि एप्लीकेशन की तरह बहुत से पैटर्न है अगर आप गूगल करेंगे और एप्लीकेशन के पैटर्न देखेंगे तो जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन में कामर्स को ख़त्म कर चुके हुए हैं वो यूर ट्रूलीज की जगह ट्रूली यूर्स लिख रहे हैं लेकिन आपने एज फॉर एज द एग्जामिनर एंड पेपर चेकर ऑफ पाकिस्तान आर कंसर्न चेक अबाउट कामर्स फुल स्टॉप एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू लेटर एंड एप्लीकेशन आपने बेटा उस पैटर्न को लाजमी याद रखना है जी आगे हम बात करते हैं कि आपने जिसको लेटर लिख रहे हैं माई डियर फ्रेंड माई डियर अली माई मदर ओके माई डियर मदर माई डियर फादर आई एम वेल ओवर हेयर एंड होप डेट यू आर वेल ओवर देयर आई एम सॉरी डैट आई कुडेंट राइट यू अर्लियर एज आई हैड बिन बिजी इन माई एग्जामिनेशन आप लास्ट पे इसकी एंडिंग करेंगे प्लीज याद रखिएगा आप इधर व्हाइट बोर्ड पे भी देख सकते हैं इसकी एंडिंग राइट साइड पे है अगेन एप्लीकेशन की तरह आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं बेटा जो उन पैटर्न आप फॉलो करेंगे उस पैटर्न को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे फ्रॉम द बिगनिंग उसी पैटर्न पे फिर आप स्टिक टू द गन्स स्टिक टू द पॉइंट फिर आप लोगों ने पैटर्न को चेंज नहीं करना एक आइडियल लेटर की लेंथ क्या होनी चाहिए लुक हेयर ये हमारा लेटर नंबर थ्री है जो हमारी पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बुक है मैं अपने लेसन नंबर टू में आप लोगों को सॉफ्ट फॉर्म में वो बुक दिखा चुका हूँ लेटर एप्लीकेशन पेर वर्ड्स की बुक वन की हम जो है सेपरेट अलहमदुल्ला बुक रखते हैं बुक थ्री के लिए हमने बच्चों के लिए सेपरेट हेल्पिंग नोट्स रखे हुए हैं पोएम्स और प्लेस के लिए आप देख सकते हैं कि बेटा अगर आप यहां से स्टार्ट करें इसके वर्ड्स को गिनना तो यहां तक ये यह अप्रॉक्सीमेटली 150 160 प्लस होंगे और वो पेजेस जो गुजरा वाला बोर्ड आपको देगा यू आर गोइंग टू राइट मोर देन वन पेजेस वन एंड हाफ टू पेजेस तो ये एक आइडियल लेंथ है टू गेट नाइन और नाइन पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन अगर आप दस में से नौ नंबर हासिल करना चाहते हैं यू मस्ट राइट एटलीस्ट वन फिफ्टी वर्ड्स। इसके बगैर बेटा गुजारा नहीं है वो काम नहीं करना कि अगर आप वाइट बोर्ड की तरफ देखें तो मेरे बेटा ये सिर्फ पैटर्न है एफ ए आई के स्टूडेंट अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर क्या इसी पैटर्न को ना लिख दें पांच आ जाएंगे मैट्रिक में हमारे सर ने मैडम ने कहा था कि पैटर्न लिखा ना यू आर द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर यू हैव बिकम इन नफ एंड यू नो डेट वट यू हैव टू राइट ओके अगेन हम जिस तरह एप्लीकेशन की कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं जिसमें मैंने बताया था कि फॉर्मा फुल स्टॉप नहीं डालते हैं कैपिटलाइजेशन का ख्याल नहीं रखते हैं अप एक्स्ट्रा डाल देते हैं लेटर में कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं ओके नॉट फॉलोइंग द एग्जैक्ट पैटर्न पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं नंबर कम होते हैं बहुत ज़रूरी बात जो आजकल के स्टूडेंट्स चाहे वो फर्स्ट ईयर के हैं ग्रेजुएशन के हैं हती कि हमारे पास ई एल सी में इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम आइल्स के स्टूडेंट्स जो आते हैं वाई डू द नाट गेट सेवन प्लस इन राइटिंग द रीजन इज डैट पंक्चुएटिंग मार्क्स जो हैं वो मिस कर रहे होते हैं कॉमा फुल स्टॉप कैपिटल साइन ऑफ इंटरोगेशन इन्वर्टेड कॉमज ये स्टूडेंट मिस करते हैं तो बेटा जी अगर आपने एप्लीकेशन की तरह लेटर में भी इसको मिस किया तो आपके नंबर कटेंगे ओके नॉट राइटिंग 150, 170 वन सेवेंटी वर्ड्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वॉन गेट नाइन प्लस आपको फिर बेटा 150 प्लस वर्ड्स लिखना पड़ेंगे आपको दो पेजेस लिखना पड़ेंगे वेल कीप इन योर माइंड फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में यू हैव इनफ टाइम टाइम इज लाइक अ सेंचुरी। अगर आप पूरा पेपर अटम्प्ट करते हैं आई बेट यू आर गोइंग टू स्पेंड ओनली टू एंड हाफ आवर अढ़ाई घंटे में आप अपना सारा पेपर कर लेते हैं तो किस चीज की आपको जल्दी है क्यों लेटर को छोटा लिख रहे हैं आप ओके नॉट प्रॉपर क्लोजिंग प्रॉपर क्लोजिंग नहीं करते हैं आप देखेंगे लेटर में जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है कि यहां से डेट उठा के स्टूडेंट यहां लिख देते हैं तो जब आप लेटर की प्रॉपर क्लोजिंग नहीं करते हैं आपको डेट यहां मेंशन करनी चाहिए थी और आप यहां मेंशन कर रहे हैं या आपने यहां यूर्स लविंग सन लिख दिया है या कॉमा मिस किया है या सन के स्पेलिंग सूरज वाले लिख दिए एस यू एन तो इससे मुराद यह है कि यू डू नॉट वॉन्ट टू गेट नाइन्टी प्लस इन योर फर्स्ट ईयर इंग्लिश आप लोगों को आपका होमवर्क जो है ये आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए सेंड कर दिया जाएगा मैं आप लोगों को पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेज में वेलकम करता हूँ एक ऐसा कॉलेज जो आपको सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता जो इस साइंसी दौर में सिर्फ साइंस की तलीम पर जोर नहीं देता है बल्कि अलहमदुल्ल इस्लामिक कल्चर इस्लामिक सिविलाइजेशन इस्लामी तहजीब व तमादन इस्लामिक हिस्ट्री इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो करने की आपको तरगीब देता है मोटिवेट करता है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही साल दो कैम्पस हैं जो बॉयज़ कैंपस है ये हमारा हादम अली रोड पे है ई कैंपस जो है बेटियों के लिए हमने जम्मू रोड जो लिंक हाजस ऑफ द रोड है वहाँ हमने 60 मरला पे जो कंसिस्ट करती हुई एक सेपरेट बिल्डिंग बेटियों के लिए बनाई है जिसमें काशिफ का आजम है कि हम एक ऐसा कॉलेज देंगे कि आज के इस दौर में जो वालदेन को शिकायत है कि हमारी बेटी स्कूल तक तो ठीक थी कॉलेज में जा के थोड़ा सा मसला ख़राब हो गया है अब ये मसला ख़राब नहीं होगा वी एश्योर यू डेट योर डॉक्टर इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट डॉक्टर इन वर्ल्ड तो आप लोग न सिर्फ खुद पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन लें अपने कजन्स को अपने फ्रेंड्स को अपने गिर्दनवामा में इस कॉलेज के मतलब बता के नेकी हासिल करें अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़ असलकुम